इस बार आलुआं दी चंगी पैदावार हुई है, पर इसके बावजूद किसानों नूं अपनी फसल कौडियां दे भा वेचनी पै रही है। ए हन रणजीत सिंह मोहाली दे नेड़ले पिंड दे रहण वाले इस किसान ने अपनी 8 एकड़ दी जमीन ते आलू दी फसल बीजी सी। इस उम्मीद च कि इस बार उस नूं चंगा मुनाफा हो जाएगा, पर चंगी पैदावार होने दे बावजूद इस किसान नूं अपनी फसल कौडियां दे भा वेचनी पै रही है। हालात ये हो गए ने कि उन्हां लई फसल दी लागत कढ़नी भी औखी हो गई है। उत्थे ही आड़तियां दा कहना है कि मंडियां च आलूआं दी वड्डी तादाद पहुंचण कारण कीमतां च तेजी नाल गिरावट आ रही है। रेट दा बहुत बुरा हाल आ, 2 रुपए किलो 100 रुपए कट्टा जा रहा है, खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा। अच्छा, जो खर्चा साडा खर्चा भी वापस। किन्ना खर्चा हो रहा है किले दे उत्ते? किन्ना खर्चे पर तो बहुत ज्यादा, 20,000 लगभग खर्चा, 20-25,000 खर्चा इन्ने दे आलू मसो हो रहे। अच्छा, एक किले ते 20,000 दे 20,000? हां जी, हां इन्ने दे आलू हो रहे, 200 बोरा 250 बोरा निकलता है 100 रुपए हिसाब नाल। किसानों को आलू आप खरीदने 200-225 रुपए क्विंटल तक। अच्छा जी, हाँ जी। तो की अगे की रेट जा रहा है अगर जो फुटकर व्यापारी हो? किस तरह फुटकर व्यापारी 250-300 रुपए क्विंटल तक, अगे 300 रुपए क्विंटल तक बिक रहे हैं। हाँ, किसानों को घट ही रेट मिल रहे हैं। किसानों की वजह की है? वजह पैदावार ज्यादा होने करके। अच्छा, कुछ नोटबंदी का फर्क है। अच्छा जी, हाँ। एक पासे जिथे किसान अपनी फसल कौडियां भा वेचण लई मजबूर हो रहे ने, उथे खुदरा बाजार च आलू 3-4 गुणा ज्यादा भा ते विक रहे ने। आलू 6 रुपए किलो, 6 रुपए किलो, कोई किलो लेता है 8 रुपए किलो, छाट के लेता ना एक एक दाना, 6 रुपए किलो वैसे आम रेट है। अच्छा, और अगर छाट के लो? छाट के किलो लेता है 8 रुपए किलो लेने पड़ते हैं। अच्छा, सारा माल खराब हो जाता है ना छाट के, एक एक दाना देना पड़ता है। आलुआं दी चंगी पैदावार होने दे बावजूद किसानों नूं सही रेट नहीं मिल रहा। फसली चक्कर बदलने लिए किसानों नूं अपील कर रही सरकारां नूं मंडीकरण वाल भी ध्यान देना चाहिए, ता जो कणक ते झोने दे फसली चक्कर चो निकलण दी कोशिश कर रहे किसानां दा ये बुरा हाल ना होवे। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़।